हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक दोस्तों है डाटा टेबल। डाटा टेबल जो हम लोग को मिलता है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में तीन फीचर मिलते हैं आपको, तो उसमें सबसे पहला होता है गोल सीक, दूसरा होता है सिनेरियो, और तीसरा जो फीचर होता है वो होता है डाटा टेबल। तो आज हम लोग फ्रेंड्स डाटा टेबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाटा टेबल बेसिकली क्या काम करता है? तो डाटा टेबल में दो इनपुट डाले जाते हैं। अब वो जो इनपुट है उन इनपुट की वजह से क्या चेंजेस होते हैं, उन इनपुट की मदद से हम उन चेंजेस को देखते हैं। जैसे इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे हमारा जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास है लोन अमाउंट जो कि है 2.5 लाख की, 2,50,000। उस पर इंटरेस्ट रेट है 4% और नंबर ऑफ पीरियड है 4 ईयर्स फॉर एग्जांपल। अब सपोज हमको निकालना है PMT, तो चलिए पहले PMT मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो इक्वल टू PMT, ये फंक्शन है PMT का। अब PMT का जो सिंटेक्स होता है उसमें पूछता है हम लोग से रेट, नंबर ऑफ पीरियड, PV, FV और टाइप। तो रेट जो है हमारा वो है 4%, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4, या मैं सेल एड्रेस ले लेता हूँ क्योंकि सेल एड्रेस ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। तो मैं ये सेल लेता हूँ 4%, और 4% और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं 12। सपोज ये हमारा जो PMT है, सपोज़ करिए कि वो मंथली है, तो फ्रेंड्स अगर मंथली होता है तो 12 से डिवाइड करना होता है, अगर क्वार्टरली होता है तो 4 से डिवाइड करना होता है, हाफ ईयरली होता है तो 2 से डिवाइड करना होता है, और ईयरली अगर हो तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस एग्जाम्पल में डिवाइड नहीं करता हूँ। सपोज़ हमारा ये जो 4% रेट है वो ईयरली है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4% ले लेता हूँ कॉमन। नंबर ऑफ़ पीरियड, तो नंबर ऑफ़ पीरियड आपको दिख रहा है 4 साल का है, तो सपोज़ 4, यहाँ पे सेल एड्रेस हम लोग ले लेते हैं कॉमा। PV, प्रेजेंट वैल्यू हमारी है 2.5 लाख, तो PV के पहले हमको लगाना होता है माइनस का साइन, और ये सेल एड्रेस ले लेते हैं 2.5 लाख इसी में लिखा हुआ है कॉमा। अब जो FV है, तो FV हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो हम FV को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी एक कॉमा और लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं टाइप में फ्रेंड्स, एक तो आता है 0 और दूसरा होता है 1। 0 का मतलब है एंड ऑफ द पीरियड और 1 का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो फिलहाल लोन का केस है, तो लोन के केस में जो हमारे हाथ से पैसा जाएगा वो जाएगा एंड ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पे लोन के केस में आपको लिखना होता है 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा निकल गया PMT। तो PMT हमारा निकल गया 68,872 रुपया, यानी ये जो पैसा है आप लगातार अगर 4 साल तक जमा करें तो आपका ये 2.5 लाख का लोन पूरा हो जाएगा 4% इंटरेस्ट के साथ। अब सपोज़ केस स्टार्ट होता है आपकी, अब ये डाटा टेबल क्या करेगा, हमारे किस काम में आएगा? तो सपोज़ करिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग रेट में इंटरेस्ट है, 2%, 3%, 4%, 5% और 6%। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर 2% का इंटरेस्ट हो तो हमको क्या PMT देनी पड़ेगी, 3% का अगर रेट हो तो हमें क्या PMT देनी पड़ेगी, 4% का रेट हो तो क्या PMT देनी पड़ेगी। तो बस इसी काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाटा टेबल का, यानी हमको फार्मूला सिर्फ एक बार लगाना पड़े और हम डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ अपने आंसर का पता लगा सकें। तो तरीका क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है उस सेल का एड्रेस यहाँ पर ले लेंगे कुछ इस तरीके से, या फिर आप फार्मूला डायरेक्ट यहाँ भी आप लगा, जो फार्मूला मैंने यहाँ लगाया उसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते थे। एंटर प्रेस करते हैं तो सेम ये जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो पूरा टेबल है इसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। टेबल सिलेक्ट हो गई। अब टेबल सिलेक्ट होने के बाद हमको जाना है डाटा में, और यहीं पर हमको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। हमारा जो ऑप्शन है वो इसी में मिलेगा, व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल। तो फ्रेंड्स यही वो फीचर है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। अब जो समझना है वो यहीं पे समझना है कि रो इनपुट सेल में हमें क्या लेना है, कॉलम इनपुट सेल में क्या लेना है। तो फिलहाल जो हमारा एग्जाम्पल है, यानी ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें सिर्फ कॉलम है, इसमें सिर्फ कॉलम है, लेकिन हम यहाँ पे दो चीज़ें दिखा सकते हैं। मैं अगले एग्जांपल में बताऊँगा दोनों के साथ, फिलहाल मैं एग्जांपल में एक के साथ आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ एक वेरिएबल आपका अगर दिया हो तो आप किस तरीके से चला सकते हैं। तो सपोज़ हमारा पे केस जो है, हम चाहते हैं कि जो खाली इंटरेस्ट रेट बदले तो हमारे PMT पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट रेट है आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो फिलहाल जो मैंने इंटरेस्ट का रेट लिखा है वो कॉलम में लिखा है। अगर आप कॉलम में लिख रहे हैं इंटरेस्ट रेट तो आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी कॉलम इनपुट्स में,
और अगर आपने यही इंटरेस्ट रेट रो में लिखा होता तो आपको यहाँ पे इनपुट फिल करना होता। अब यहाँ पे लेना क्या आंसर सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमारा ये जो फार्मूला है वो इसके ऊपर बेस है और ये जो फार्मूला है इन वेरिएबल्स के ऊपर बेस है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो रेट है वो कॉलम में है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, क्लियर हो जाइए कि कॉलम में ही आपको भरना है और कॉलम में कौन सा सेल एड्रेस लेना है, तो जहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट आपने लिखा हुआ है ये वाला सेल आपको यहाँ पे ले लेना है। और जैसे ही बस काम हो गया आपका फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट रेट पे आपका क्या पीएमटी बनेगा वो आपको डाटा टेबल ऑप्शन की मदद से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका, अगर ये 68,872 रुपया जो है 4% इंटरेस्ट के साथ है, जो कि आप यहाँ पे यही आंसर सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं 4% के साथ आपका ये आंसर मैच कर गया। इसी तरह से अगर 2% इंटरेस्ट के साथ अगर पीएमटी आप चुकाएंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 3% के साथ चुकाएंगे तो इतना देना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल वन वेरिएबल के साथ, यानी आप वन वेरिएबल अगर भरते हैं तो डाटा टेबल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टू वेरिएबल्स की। सपोज़ करिए कि हमारी ये जो सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल पे आता है सेकंड नंबर एग्जांपल पे, तो सेम केस पीएमटी का ही है। मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ 3 लाख रुपए का, 7% अगर उस पर इंटरेस्ट है और 5 साल में ये जो 3 लाख का लोन है हमको अगर चुकाना है तो हमारी क्या पीएमटी बनेगी, क्या इंस्टॉलमेंट हमको चुकानी पड़ेगी। और इस बार जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो 2 है, यानी कुछ वेरिएबल्स कॉलम में हमने लिखे हैं, यानी ये परसेंटेज जो है जितने भी परसेंटेज हमने कॉलम में लिखे हैं, और ये जो पैसा आपको दिख रहा है ये लोन अमाउंट है। अब हम जानना चाहते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स पे हमारा क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पीएमटी फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इक्वल टू पीएमटी ओपन करेंगे ब्रैकेट, सबसे पहले रेट बताएंगे तो रेट हमारा है 7%, सेल एड्रेस ले लेते हैं कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 5, एड्रेस ले लेते हैं कॉमा, पीबी है आपकी 3 लाख, माइनस लगा के लिखिएगा माइनस 3 लाख, और फ्यूचर वैल्यू आपकी कुछ नहीं है, एक कॉमा डॉट लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे 0, लोन का केस है तो हम लोग लिखेंगे 0। तो ये तो हमारा निकल गया पीएमटी। अब पीएमटी जो आपकी निकली है सेम इसी पीएमटी को आपको यहाँ पे ले लेना है, तो इक्वल टू और यहाँ पे ये सेल एड्रेस हम ले लेंगे। अब यहाँ पे पीएमटी आ गई, अब आपको सेम वही पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना वही डाटा टेबल में, डाटा में चले जाइएगा वाटिफ एनालिसिस में, और यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग डाटा टेबल का यूज़ करेंगे। और अब की बार हमको समझना है कि रो में हमको क्या लेना है और कॉलम में हमको क्या लेना है। तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा, रो में जो हमारी टेबल है जिसमें हमको ये इनपुट भरना है, तो हमारे जो कॉलम है कॉलम में हमने लिखा है परसेंटेज, और रो ये रो है, इस रो में हमने लिखा है लोन अमाउंट। तो सिंपल है, जो परसेंटेज वाला है वो हम लोग लिखेंगे कॉलम में और जो लोन अमाउंट है वो हम लोग लेंगे रो में। तो सबसे पहले रो की बात करते हैं, तो रो में मैंने आपको फिर से बता दूँ कि यहाँ पे लोन अमाउंट है, तो यहाँ पे जो सेल एड्रेस लेंगे वो लोन अमाउंट वाला लेंगे, और कॉलम में हमने दिखाया है परसेंटेज, ये आपको दिख रहा है परसेंटेज है, तो यहाँ पे रेफरेंस लेंगे परसेंटेज का। तो डेटा टेबल जो है बेसिकली दो वेरिएबल्स को चेंज करने के बाद हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही डेटा टेबल की मदद से हम लोग रिजल्ट जान पाते हैं। ओके करते हैं, तो ये आपका चार्ट बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, अलग अलग लोन अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे आपका क्या पीएमटी बनेगा, ये डेटा टेबल की मदद से आप एक बार में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा चाहे कितने भी आप डाल दें आपको वन टाइम में रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए इसी तरह का एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं डाटा टेबल की मदद से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सपोज ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। तो एग्जांपल नंबर 3 में सबसे तो सपोज करिए यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं, पहले हमको जो हमको दिया हुआ है इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो सपोज यहाँ पे यूनिट सोल्ड है 9000, यानी हमने 9000 यूनिट बेची हैं और एक का जो सेलिंग प्राइस था वो 100 था, यानी 100 रुपये पीस के हिसाब से हमने 9000 यूनिट बेच दी। तो हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू को, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इक्वल टू 9000 यानी जितनी भी यूनिट हमने सामान बेचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिस प्राइस पे हमने बेचा है। तो हमने 100 रुपीज़ की प्राइस से बेचा है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल यहाँ पे निकल के आ गया टोटल रेवेन्यू 9 लाख, यानी 9 लाख का रेवेन्यू हमने अर्न किया। अब इसके बाद हमको पता लगाना है इसकी टोटल कॉस्ट, यानी 9000 यूनिट जो हमने बनाई है तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट हमको पता करना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमने इस पर क्या प्रॉफिट कमाया है। तो अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो कॉस्ट निकालने के लिए फिलहाल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है
तो फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे चाहे कितने भी यूनिट हम प्रोड्यूस करें तो वेरिएबल कॉस्ट उसी के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे सिंपल से एक कैलकुलेशन हम लोग अगेन करते हैं, तो ब्रैकेट में रखते हैं इक्वल टू, हमने यूनिट मैन्युफैक्चर की थी 9000 जो कि हमने बेच दी, तो 9000 और इसको बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगा वो लगा 50, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस कॉस्ट को बनाने, इस प्रोडक्ट को बनाने, 9000 यूनिट बनाने में कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगी है, और फिक्स कॉस्ट जोड़ देते हैं इसमें प्लस, यानी प्लस करते हैं 4 लाख रुपये, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई 8,50,000 रुपये और टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया 9 लाख रुपये। अब हमें पता करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सिंपल सा कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस कर देंगे, या रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो रेवेन्यू वाला सेल ले लेंगे और माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा निकल गया प्रॉफिट 50,000। अब यूज़ करना है हमें डेटा टेबल। अब हमें ये जानना है कि ये 9000 यूनिट हैं, ये सारे यूनिट सोल्ड हैं। सपोज़ अगर हम 9000 यूनिट बेचते हैं, 9500 बेचते हैं, 1 लाख बेचते हैं, सॉरी 10,000 बेचते हैं, 10,500, 11,000 अगर ये यूनिट बेचते हैं और इस रेट पे बेचते हैं, 90 रुपये पे, 100 रुपये पे, 110 पे या 120 पे, तो हमें क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होने वाला है एक ही बार में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, ये जो प्रॉफिट वाला सेल है इसको पहले तो यहाँ उठा के लेके आते हैं इक्वल टू, और इस सेल का एड्रेस ले लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारा ये 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। अब आपको अगला काम डेटा टेबल बनाना है। डेटा टेबल बनाने में दो वेरिएबल आपको बताने होते हैं, रो और कॉलम। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये जो हमारा यूनिट सोल्ड दिया है वो कॉलम में है और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो रो में है। तो सिंपल वहाँ पे आपको इसी तरीके से भरना है। तो पहले टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके, तो ये हमने टेबल सिलेक्ट कर ली। और टेबल सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमको जाना था यहीं पर डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे फिर से एक बार लगाते हैं हम लोग डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का जो सिंटेक्स है वो खुल गया है टेबल, ओके। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, हमारे जो रो है, रो में हमको दिया हुआ है यूनिट, तो हमको यहाँ पे जो इनपुट सेल है यहाँ पे लेना है यूनिट। तो यूनिट यानी ये 100, ये हमारी यूनिट है, सॉरी सेल प्राइस 90, 100, 110, ये हमारी सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस यहाँ पे 100 जो है ये वाला हम इनपुट ले लेंगे। इसी तरह से कॉलम में, कॉलम में हमको दिया हुआ है यूनिट सोल्ड, यानी क्वांटिटी दी हुई है, तो क्वांटिटी वाला जो सेल है वो ये वाला है यूनिट सोल्ड वाला, तो यहाँ पे इसका रेफरेंस ले लेंगे। बस फ्रेंड्स आपको यही जो इन्फॉर्मेशन है यही आपको थोड़ा सा देख के भरनी है कि जो डेटा टेबल आप बना रहे हैं उसमें रो में क्या लिखा हुआ है और कॉलम में क्या लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको रेफरेंस लेना है और आपकी डेटा टेबल तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी डेटा टेबल तैयार हो गई, और यहाँ पे ये जो 50,000 का आंसर आप देख रहे हैं, ये हमारा जो 50,000 का आंसर आया था जब हमने 9000 यूनिट बेची थी और 100 के प्राइस से बेची थी, हमारा प्रॉफिट आया था 50,000। और बाकी अगर आप 9000 यूनिट 90 के प्राइस पे बेचेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे, -40,000। उसी तरह 95 यूनिट आप 90 की कॉस्ट पे बेचते हैं तो -20,000 आप लॉस में चले जाएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये चार्ट आपका एक ही बार में बन के तैयार है। तो ये था छोटो दोस्तों छोटा सा वीडियो डेटा टेबल के ऊपर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।